मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के मन की बात के कार्यक्रम का रविवार सुबह 11 बजे प्रसारण किया गया, जिसे जिले भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा देखा व सुना गया तथा एक पौधा माँ के नाम अभियान का शुभारंभ भी किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार द्वारा बताया गया है कि बड़वानी में जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले व नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान की उपस्थिति में बड़वानी मंडल की वार्ड क्रमांक 8 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण देखा व सुना गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 111वें एपिसोड के सीधे प्रसारण को जिले के बूथ स्तर पर देखा गया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक पौधा माँ के नाम अभियान की शुरुआत भी प्रदेश सहित जिला मुख्यालय के एकता नगर स्थित एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़वानी के राम कुलेश्वर महादेव मंदिर व कसरावत बसाहट पर पौधारोपण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले द्वारा बताया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पौधारोपण अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 5.50 करोड़ पौधारोपण किया जाना है। वहीं बड़वानी जिले में हम 5.50 लाख पौधारोपण कर उनका रक्षण भी करेंगे। उक्त अभियान आगामी 6 जुलाई तक जारी रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका द्वारा 11,000 पौधारोपण किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। करना है इसमें जो है, आज से हमने शुरुआत की है और हमारे जिले में जो है लगभग 5.5 लाख पौधे हम लोग लगाएंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। आज कहाँ पर पौधारोपण किया गया? आज देखभाल अपना यहाँ पर जो है मधुबन कॉलोनी में एकता नगर में एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर जो परिसर है, उस परिसर में जो है वृक्षारोपण किया गया है। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।